भाई पता नहीं कैसे मैं बैग भूल गया इतना बड़ा, पता आज तक नहीं हुआ मेरे से ऐसा। मैं ना यहाँ आके देख, यहाँ के कह रहा मैं कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है। मैंने हे गाइस, इट्स मी सचिन एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये पूछना ज़रूरी था क्योंकि आजकल टाइम ख़राब ही चल रहा है सबका लगभग। तो खैर ये सब छोड़िए, तो आज मैं निकला हूँ करोल बाग की साइड और करोल बाग पहुँच भी गया हूँ लगभग मैं। तो सबसे पहले कि मैं अभी जीत को पिक करूँगा, उसके घर जा रहा हूँ, और उसके बाद मेरे बाइक में एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो ब्लिंक कर रहा होगा, यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है मेरा, तो मेरे को वो ठीक करवाना है। तो उसके लिए मेरे को सर्विस सेंटर जाना होगा। तो मैं कोटला मुबारकपुर जाता तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि झंडे वाले से काम करवाऊँ। तो एक बार बता दूँ कि यहाँ पर मेरी बाइक ठुकी थी स्प्लेंडर, और आज हिमालयन ठुकने से बची है। तो खैर रोड पे चलोगे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होगा। तो खैर ये एरिया बहुत बढ़िया है यार मेरे हिसाब से, तो मेरे को भी यहीं रहना चाहिए, बट क्या करें अपनी किस्मत खराब, हम कराव नगर में फंसे हैं। तो अभी मैं खैर आ गया हूँ जीत के यहाँ, तो उसको अभी सो रहा होगा, उसे जगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सारा उसको तैयार करना पड़ेगा पूरा का पूरा, फिर वो निकलेगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं बेटा आ रहा हूँ। मैंने उसे टाइम दिया था एक्चुअली 10 बजे का, और देखो मैं कट भूल गया यार शिफ्ट। तो मेरे को भी यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। एक तो आज मैंने जीन्स भी टाइट पहन रखी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लो जी अपन आ गए जीत के घर। हाँ तो गाइस जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये है, जैसे हमने बाइक यहाँ पर ऑन करी ये सब कुछ ऑन हुआ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ज़ीरो। तो ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, जो आप गियर में चल रहे होगे वो दिखाएगा आपको। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर गियर चेंज किया मैंने, तो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, कोई मतलब ये नहीं दिखा रहा पहला गियर है दूसरा गियर है। अब मैं इसे न्यूट्रल करूँगा तो फिर से ये ज़ीरो आ जाएगा। सेकंड थिंग ये है कि जो हमारा ABS है ये भी शायद मे भी वर्क नहीं कर रहा सही से, तो कहते हैं 5 सेकंड तक इसे दबा के रखो तो ABS ऑन हो जाएगा, तो ऑफ हो जाएगा तो एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये ब्लिंक नहीं हुआ, मैंने बटन दबा के रख रखा था। तो अभी इन दोनों का काम करवाना है, चलिए सर्विस सेंटर देखते हैं कि कैसे होता है कैसे नहीं। तो भाई निकल चुका हूँ मैं सर्विस सेंटर के लिए, और अभी जाके देखते हैं वहाँ भसड़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी मेरी बाइक की सर्विसिंग के लिए लगभग 250 किलोमीटर और चाहिए चलाना, और मैंने अभी 222 किलोमीटर चलाया है। तो आई होप कि वो ठीक कर देना चाहिए यार, टेक्निकल उतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, पर ये दो चीज़ें तो ठीक होना मांगती हैं। और इधर की जो ग्रीनरी है ना देखने के बाद एकदम दिल खुश हो जाता है। तो भाई पहुंच गया मैं, पता नहीं कौन सी जगह है, चलिए बस 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 ये वर्कशॉप। रॉयल एनफील्ड SR मोटर्स, तो गाइस लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए सर्विस सेंटर पे आए हुए हमें, और मौसम तो चलो ठीक हो रहा है, बट अभी गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी उन्हें थोड़ा समझ में आई है, तो अभी जो बंदा ठीक करता है वो अभी दूसरी बाइक पे लगा हुआ है, तो अभी वो उसको ठीक करने के बाद मेरी गाड़ी का नंबर लगेगा। और जस्ट अभी कुछ खाया पिया भाई, भूख लग गई थी बहुत तगड़ी, तो जा रहे हैं अभी देखते हैं कि क्या होता है कैसे, मतलब वो बनाएंगे कैसे करेंगे। बोलते रहते कि मेरे को परसों आके ठीक करवा लेना, बट मैंने कहा आज आया हूँ तो आज करवाना ही पड़ेगा, तो बस अभी जाके देखो फट्टा होना ज़रूरी है मेरे को तो लग रहा है यहाँ पर। तो गाइज फाइनली बाइक बन गई मेरी, मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस 5 मिनट या 10 मिनट लगने थे हार्डली, बट वो उसमें 5 घंटे लग गए पूरे, मेरे को वेट किया मैंने, और साथ में यहाँ पर जीत है भाई देख इधर,
ये भी था वहाँ पर भूखे पेट जो कि कभी रह नहीं सकता। तो अभी मैंने बनाई बाइक और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो ABS हमारा वर्क नहीं कर रहा था तो उसकी कुछ अलग ही सीन था, मतलब टाइमिंग वगैरह जो होता है। तो जैसे अभी आपको ये भी इसकी लाइट जल रही होगी तो यहाँ पर हमें 4 सेकंड तक दबा के रखना है, 1 2 3 4 छोड़ दो। अब देखो ये ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब ABS ऑफ हो गया है पीछे का। अब मैं चलाऊँगा तो मेरे को पीछे का ABS वर्क नहीं करेगा मेरा। और साथ में यहाँ पर जो गियर इंडिकेटर था आप देख रहे हो गए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर गियर डालूँगा, गियर डल नहीं रहा एक्चुअली, अभी चालू नहीं है गाड़ी, तो यहाँ पर अब शिफ्ट हो रहा है, हैंडल भी समोड़ता नहीं है ना। भाई फाइनली अभी सब ठीक हो चुका है, मैं जो प्रॉब्लम्स थी मेरी बाइक में सब ओके हो गई हैं। अभी ABS वगैरह भी सही वर्क करने लगा है, शायद मेरे पहले ABS में एरर था तो वो भी ठीक हो गया है, और पीछे का जो ABS था वो भी ठीक हो गया है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, माना टाइम वेस्ट हुआ बट ठीक हो गया। तो अभी गियर भी शो करने लगे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं, क्योंकि यार जब आप नई बाइक ख़रीदते हो तो आपको चाहिए होता है कि सब चीज़ें फंक्शनिंग, मतलब जो फंक्शन है सब अच्छे से काम करें। तो मेरा भी कर रहा था बट ये दो चीज़ों की प्रॉब्लम थी, अभी सॉल्व हो गई, अब ठीक लग रहा है मेरे को। मुझे तो टेंशन थी यार कि ज़्यादा लंबा काम ना हो, तो फाइनली काम हो गया जिसके लिए हम आए थे। और अब मैं निकल चुका हूँ घर की साइड, अभी जाके मेरे को सीट कवर वगैरह पता करना है, साथ में फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा अपने गाड़ी का मतलब जो मेरा YouTube चैनल है उसका ब्रांडिंग करवानी है बाइक पे थोड़ी सी। तो ये सारे काम हैं, मैं थोड़ा सा लगा हुआ हूँ कि सारे काम हो जाए फिर निकला जाए कहीं ट्रिप वगैरह पे। अभी तो गांव भी जाना है मेरे को, तो बस देखिए यार अभी कोरोना वगैरह का जो सीन ख़त्म होगा ना कभी जल्दी, तो फिर सोचेंगे कि लंबी ट्रिप मारी जाए, क्योंकि अभी ना कोई जाने दे रहा है, मतलब जा रहा है साथ में, और ना ही घर वाले अलाउड कर रहे हैं। मतलब वो तो कहते हैं कि जाना हो तो जाओ यार, बट फिर भी मन तो नहीं करता घर वालों का भेजने का, सबको अपने बच्चों से प्यार होता है, तो वही बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो मेरा तो लद्दाख का प्लान था, जस्ट इसीलिए बाइक भी खरीदी थी मैंने, मैंने कहा जाऊँगा मैं कैसे भी करके जाऊँगा। और इधर की यार सबसे बुरी बात ना यही है कि साला जब भी आओ इधर जाम मिलता है। भाई पता नहीं कैसे मैं बैग भूल गया इतना बड़ा, पता आज तक नहीं हुआ मेरे से ऐसा। मैं ना यहाँ के देख, यहाँ के कह रहा मैं कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है, मैंने हाथ मारा बैग किधर गया मेरा, क्या कह रहे हैं अंकल बस कुछ नहीं तारीफ कर रहा था कि भैंस तेरे से बड़ा भुलक्कड़ है, बैग ही भूल के चला गया है, बता तो सही क्या तारीफ हुई क्या कि नहीं है ना। अच्छा अरे तो मैंने कहा खा ले आराम से आ जाए, क्या दिक्कत है, पर साले अब मैं देख मैं बताऊँ क्या करता, मैं इधर से आता फिर उधर जाता फिर वहाँ से इधर आता, अब यार उधर हिम्मत नहीं होती उधर घुसने की मेरी, इसलिए चल भाई बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, करते हैं शाम को बात। हाँ तेरा ठीक है, ले आऊँगा पैसे भेज दियो। चल ठीक है। हाँ तो गाइस अभी कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जो कि मैं कभी सोच नहीं सकता था एक्चुअली। अभी जब मैं निकला था जीत के घर से तो क्या हुआ ऐसा कि मैंने ग्लव वगैरह पहने तो थोड़ा सा वायरिंग वगैरह चेक कर रहा था बाइक की, तो अभी वायरिंग चेक करने के बाद ऐसा हुआ कि सब बातें करते 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 बाइक मैंने मोड़ी, बाइक मोड़ के फिर निकल लिया वहाँ से। मैं बीच रास्ते में आके मैं अपने शोल्डर पर महसूस करता हूँ कि मेरे शोल्डर हल्के से क्यों लग रहे हैं, फिर मैंने जो बैक की स्ट्रैप होती है शोल्डर पे रहती है तो मैंने वहाँ हाथ लगाया, मैंने अबे मेरा बैग किधर है भाई, मैं तो घबरा सा गया, मैंने बैग छोड़ दिया, मैंने कहाँ छोड़ दिया। फिर मेरे को ध्यान आया कि लास्ट टाइम मैंने अभी जीत की बाइक पे रखा था अपना बैग और वो बैग वहीं पर है, तो मैंने उसे कॉल लगाया तो वो खाना वाना खा रहा था, मैंने कहा चल कोई नहीं, तो आधे घंटे मेरे वेस्ट हुए बैठे बैठे, तो आधे घंटे बाद आया तो मैंने कहा चलो भाई देर आए दुरुस्त आए, बट बैग मिल गया अच्छा खासा, नहीं तो दूर जाता मैं और दूर आता तो मेरे को वापस जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने उसे ही बुला लिया था, मैंने कहा आजा भाई जी तैयार दे जा, तो वो मेरे को दे के गया। बाकी पता नहीं कैसे यार मैं भूल गया, इतना तो मैं कभी भूलता नहीं, बट यार होता है ना जब दिमाग 10 जगह चल रहे होते हैं तो आप
भूलना चालू कर देते उस चीज़ें। तो देखे गया तो अभी खैर मैं 30,000 ही पहुँचा हूँ और सीधा यहाँ से भी घर जाऊँगा, जैसा बताया था आपसे कि थोड़ा ग्राफिक वगैरह का हल्का सा काम करवाना है। तो उसे करवाने के बाद धीरे धीरे सारे काम होंगे जैसा बताया। अभी टाइम होगा तो आज करवाएंगे, अदरवाइज नहीं तो कल करवाएंगे, क्योंकि मुझे गांव भी जाना है। तो चलिए चलते हैं अभी घर, थक गया हूँ सुबह से बहुत, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, पानी वानी पीता रहा फिर भी गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ और आज सेकंड डे है, मैं सेकंड डे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को बताऊँ कि कल मेरा पूरा दिन सर्विस सेंटर पे ही गुजरा है, मतलब एक छोटे से काम के लिए 4-5 घंटे लगे। तो ABS और मेरा जो था मेरा गियर शिफ्ट इंडिकेटर, अब वो काम करने लगा है। तो चलो बाइक की तो प्रॉब्लम दूर हो गई। तो उसके बाद जब मैं घर आया, तो घर जाने के बाद जैसा बोला था मैंने कि आपको ग्राफिक्स वगैरह का काम करवाऊंगा, तो मैंने अपने चैनल का नाम लगवाया और स्टिकर लगवाया कि यूट्यूब का, तो अब वो भी हो गया है। तो अभी एक चीज़ और रह रही है बस, क्या नाम है जिसको बोलते हैं, सीट कवर होता है, तो मेरे को जो मैं चाहता था नहीं मिला, तो मेरे को स्टेपलर वाला ही लगवाना पड़ेगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं स्टेपलर वाला सीट कवर लगवाने बाइक पे, और ये होने के बाद फिर मैं आपको इकट्ठा दिखाऊंगा सारी चीज़ें जो जो मैंने कल करवाई, और उसके बाद फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले आप सीट कवर लगवाते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा, अभी धीरे धीरे फिर शॉप्स वगैरह ऑफ होने लगती हैं। तो चलिए इससे पहले कि ऑफ वगैरह हो, देर हो, अंधेरा हो, तो उससे पहले काम करवा लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने सीट कवर के लिए कॉल किया था जिस भाई को, तो अभी वो बंदा है नहीं जो सीट कवर लगाता है, क्योंकि मेरी सीट थोड़ी अलग है बाइक की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए आप कल आ जाइए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो अभी जो काम हुआ पड़ा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मेरे नाम का स्टिकर है और यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ यूट्यूब और SKB ब्लॉग्स करके है पूरा। और बाइक को आज मैंने साफ़ किया था एक्चुअली, देखिए थोड़ा सा। और ये पीछे की साइड है, यहाँ भी मेरा नाम लिखा हुआ है SKB ब्लॉग्स और साथ में यूट्यूब। और दूसरी चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये मैंने लेग गार्ड लगवाया था, ये है 1200 रुपये, 1270 रुपये का लगा था। तो गाइस यहाँ पर मैंने फाइनली सीट भी लगवा ली है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कि ये सीट है पूरी, इसके ऊपर का कवर है मतलब, और ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि रेडीमेड लेके मैंने लगा दिए। और फिनिशिंग वगैरह भी बात की जाए तो बहुत अच्छी है, और इसका जो मटेरियल है ये भी काफ़ी हैवी है। आप जानते होंगे कि कारों में जो यूज़ होता है कार की सीट बनाने में, ये सीधा वहीं से मतलब उसी मटेरियल का बना है। और ये मैंने एक फैक्ट्री से बनवाया जहाँ पर कार की सीट असेंबल होती थी और उसकी सीट्स वगैरह बनती थी। तो ये है वो सीट, और बाकी तो गाड़ियों जो बाइक में काम हो चुका है सारा। तो अभी ये हमने सीट पूरी करवा ली, अब लगभग सारा काम हो चुका है जो नॉर्मल होता है, बस अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह रह रहा है, ये बाद में करवाएंगे। तो यार बड़ी मुश्किल से मतलब बाइक का काम पूरा हुआ है, सीट वगैरह बड़ी मुश्किल से लगी है, 3 दिन वेट करना पड़ा मेरे को, तब जाके मैं सीट कवर बनवा पाया और लगवा लिया फाइनली। अभी बस उसकी सर्विसिंग रह रही है, अभी लगभग 250 किलोमीटर चली है, अभी 250 किलोमीटर और चलाना है, मे भी हो सके मैं 400 किलोमीटर पर सर्विस करवा दूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से निकलना है लखनऊ के लिए, फिर वहाँ से मैं गाँव जाऊँगा, बाइक से ही करूँगा ये मैं ट्रिप पूरी। तो अभी बस इंतज़ार है कि यार ये 500 किलोमीटर चल जाए, मे भी हो सके कल निकलेंगे बाहर, व्लॉग बनाएंगे, सबसे पहले ये अपलोड होगा। तो यार अभी रात में ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो इसे एडिट वगैरह करना होगा, तो इस एडिट करके ही इसे अपलोड करेंगे। तो यार आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।